और जितनी ये घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं सर, ये सब प्रशासन की लापरवाही की वजह से हो रहा है सर। इस बात को आप दारू दिखा दिया जाए तो प्रशासन पटना तक चली जाएगी सर पीछे पीछे। आपका कब का है? मेरा 9 तारीख को है, शनिवार को सर। सीसीटीवी निकलवाते हैं उस दिन का भी, अगर दिखवाते हैं जो भी उसमें होगा, जो भी अभी मान लीजिए जो बाइक चोरी का कुछ रहता है, लड़का सब जो जेल जाता है फिर आता है, तो वैसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर लेते हैं। और जो अगर आप लोग को भी लगता है सर, 6 महीना हुआ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अभी तो ये हुआ है तो आप बोल रहे हैं कि हो जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, सिर्फ दारू पर बयान। आप ये बताइए रात में किसको कॉल किए थे? फिर विधायक जी फोन किए, डीएम साहब के पास, डीएम साहब के पास 2 बार बात किया गया, फिर डीएम साहब उधर से पूरा खबर लिया, वहाँ पे जाकर फिर तब जाके पोस्टमार्टम हुआ। विधायक जी भी बोले होंगे, हम लोग भी बोले हैं, ऐसा नहीं है। डीएम साहब के कोठी सर बोले सुबह में आते ही हम सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे, अभी तक गया हुआ है, गया हुआ है वहाँ गुठनी दरौली SHO को हम खुद फोन करके लगाए के बोले हैं कि आप खुद जाके चेक, जो भी है वो टड़वा चौक है ना, आगे टड़वा मोड़ वहाँ हम खुद बोले हैं दरौली SHO को, वो गया हुआ है, आपके यहाँ से भी एक रोशनी, यहाँ से भी एक दरोगा गया हुआ है, दो दो आदमी गया हुआ जांच करने, ऐसा नहीं है कि नहीं। ठीक है सर, आप भी अगर विश्वास पे हम लोग अगर मैं करिए, हमारा हमारे लिए चैलेंज है, अगर हम करते हैं नहीं। अगर मैं नहीं होगा 1 हफ्ता 10 दिन में नहीं होता है तो इससे ज्यादा हम लोग प्रदर्शन वहाँ पे थाने के पास करेंगे। ठीक है, वो हमारा कोशिश रहेगा कि आपकी जो अपेक्षा है उसे हम पहले करेंगे वहाँ पे हम नहीं। ठीक है, उसे हम पहले करके हमारे लिए भी ये है कि किसी के साथ हुआ है, हमारा भी काम है कि उसको पकड़ना, जो भी अपराधी है उसको पकड़ के जेल भेजना, हमारा भी ये दायित्व तो है, जिम्मेवारी है, काम है। तो सर आखिरी मान लीजिए सब कुछ हो गया तो यार किसी प्रकार से तो रोड को खाली कराना है। जी जी जी, किसी प्रकार से मैंने पब्लिक से ही हम लोग हेल्प लेंगे, आप ही लोगों से हेल्प लेंगे कि हाँ जो खाली होता है घंटा, मतलब इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई होगा। जी वो सब कुछ पूछ लिया हम लोग, कहा मुखिया जी इसमें आपको नहीं मिलेगा कोई सहायता, एसी और एसी रहता था गोली लगा है तो उसको 4,05,000 जो मुआवजा मिलता है, 8,00,000 तक मिलता है, मिलेगा। लेकिन वो कहे कि एक है कि लेबर वाला SDO साहब कहे हैं कि लेबर वाला कुछ 1-1.5 लाख रुपया CO साहब मिलता है, तो गरीब आदमी है बेचारा। हाँ, तो कुछ लिए साहब से करवा दिया जाए, लेबर वाला कम से कम लोगों को मिल जाए। भैया है आप, भैया है हम, भैया है मुखिया जी, भैया मदद करना है, बहुत गरीब लड़का है और अपराधी कोई सा प्रवृत्ति का अपराधी है कि ये तो मान के चले कि बहुत जघन्य अपराध है, ये लोग ऐसा कोई दिक्कत है साहब का, अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसको, थोड़ा सा आप वहां तक जाइए, मिलेगा सर खाली आप उसका कल डिटेल निकलवा लीजिए, अपने पता चल जाए कि किसे किसे बात किया है, उसका कारण मिल जाएगा हम लोग को। बिल्कुल, वो सारे एंगल हम लोग कल रात में ही भेज दिए, किनसे किनसे बात किया है नहीं, हम लोग भेज दिए, वो किस प्रवृत्ति का है, ये किस प्रवृत्ति का, दोनों की प्रवृत्ति मिल जाएगा। घटना लगातार गुठली में हो रहा है, मान लीजिए रात भर 80% आने जाने में दिक्कत हो रहा है और अपराधी आराम से घटना करके निकल जा रहा है ना, तो थोड़ा सा आप इस पे दबाव बनाइए ना, कैसे क्या होता है। कॉल मैंने देखा कि 2 गाड़ी आपके इसी रोड में खड़ी थी 5 बजे, मैं जा रहा था अपने नेवते में तो देख जाकर, हम कहा क्या कि पुलिस 2 गाड़ी एक के साथ खड़ी है इस रोड में 5 बजे के साथ, बात भी करता है ना, वो सब भी देखता होगा कि कहाँ गाड़ी लगाया नहीं लगाया। ठीक है, अगर गश्ती का गाड़ी का जरूरत है हम लोग रेगुलर इसको बोलेंगे कि आप रेगुलर इसमें मूवमेंट में रखिए, दरौली अपना एरिया तक कवर करेगा, आप अपने एरिया तक कवर करेगा, आप लोग भी कभी ना जनप्रति आपको उठाना चाहिए ना, शोर नहीं देखिए हम लोग बैठते हैं, आप लोग का कहना चाहिए, जब तक आप संज्ञान में दीजिएगा इन लोगों को तब कैसे करेंगे, आपको सहयोग भाई यहाँ पे घट रही है। Yeah!
पबनी ऐसा देखे कि हम कहीं बनी हमने सब हो व्यवस्था ऐसा देखे कि हम जितना कोशिश हुई सरकार से मदद मिले के जितना कोशिश हुई अपराधी धरा जब हत्या के कारण हो एक बात बता दो राशन कार्ड बाऊ को राशन कार्ड बा श्रम कार्ड ई श्रम कार्ड कौन लेके आवा राशन कार्ड लेके ई श्रम कार्ड ऊ लेके आवा ई श्रम कार्ड हो जे जब राशन कार्ड में नाम नहीं के तो ई श्रम कार्ड के ना ना ई श्रम कार्ड नहीं के बने रही ऑनलाइन आ चलो ई श्रम कार्ड नहीं होई तो बनम कर दो आ ठीक बा अच्छा बने ई श्रम कार्ड वाले वो बोला मम्मी के पास हमारे पास ना